बुधवार को पेंड्रा रोड की ओर से आ रही यात्री बस चपोरा के पास पलट गई। इसमें बस में सवार 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को पुलिस के वाहन से रतनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सिम्स में भर्ती कराया गया है। शेयर मार्केट में ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर मोहसिन एन को राज्य साइबर पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ठगी की राशि 96 लाख रुपए जिन खातों में जमा की गई थी उसे फ्रीज कर दिया गया है। जंजगिरी चांपा जिले में बुधवार शाम को तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक युवक घायल है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कार से शव निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बलौदाबाजार जिले के एक आरा मिल में भयानक आग लग गई। आग लगने का कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की वाहनों को आग पर काबू पाने में 7 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान 30 से ज्यादा दमकल वाहनों को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के भीतर से कार चोरी कर ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस अपराध दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने जिले के स्टूडियो संचालकों से कैमरा किराए पर लेकर कैमरे की फर्जी बिल व आधार कार्ड दिखाकर रजा सेल रायपुर में बेचने वाले अपराधी अमन यादव उर्फ सागर को गिरफ्तार कर 4 वीडियो कैमरा बरामद किया गया है। बिलासपुर की क्राइम यूनिट सकरी थाना व कोटा थाने की पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पड़ोसी जिले से बगैर टीपी व बिल्टी पर्ची के कोयले का अवैध परिवहन करते 3 ट्रकों को पकड़कर 5.25 लाख रुपए कीमत की 75 टन कोयला जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर के राजेंद्र नगर वार्ड में रहने वाले युवक ने अपनी माँ से पैसे की मांग करने पर नहीं देने पर उसे तलवार से मारने की धमकी दी। महिला ने मामले की रिपोर्ट बोधघाट थाने में दर्ज कराई, जहां युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। लखनपुर स्कॉर्पियो में सायरन बजाकर कोयला तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना ग्राम चिलबिल निवासी अमोल रजवाड़े के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लखनपुर पुलिस ने कोयला लोड 3 ट्रैक्टर, 1 एक्सीवेटर, 1 स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल, 9 नग मोबाइल सहित कोयला खरीदी बिक्री का 40,000 रुपए नगद जब्त किया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर रासायनिक खाद बिक्री की शिकायत पर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर राजस्व अमले ने शुभम फर्टिलाइजर संस्था को सील कर दिया है। कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में खलबली मची हुई है। कोरबा जिले के खदानों में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनियों से प्रभावित गांव के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। लगभग 2 घंटे तक चले आंदोलन के दौरान कार्यालय में आवाजाही प्रभावित रही। इससे CISF व पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झूमा झटकी भी हुई। कोरबा शहर के मोड़ापार किराना दुकान व शारदा विहार आटा चक्की सहित एक छोटा हाथी वाहन से खाद्य विभाग ने 20.50 क्विंटल चावल जब्त किया है। PDS चावल शंका के आधार पर जब्त चावल को वाहन सहित मानिकपुर पुलिस चौकी में रखा गया है। तीनों मामले में प्रकरण तैयार कर इसे कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के छात्र छात्राओं ने बुधवार को अपमानजनक व्यवहार को लेकर जमकर आपत्ति दर्ज कराई। पहले तो वे कार चालक व उस युवक के पास पहुंचे जिसने मंगलवार की रात उनसे दुर्व्यवहार किया था, फिर सीधे कोतवाली पहुंच मामले की मौखिक शिकायत की। अश्लील वीडियो प्रसारित करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था
की चंद्र कुमार और एक महिला का शारीरिक संबंध बनाते हुए अश्लील वीडियो नगर में वायरल होने के संबंध में उल्लेख किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी चंद्र राम यादव उर्फ चंद्र कुमार यादव व पृथ्वीराज उर्फ मंत्री सेन को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के कुसमुरा मंदिर पारा में पत्नी को षड्यंत्र पूर्वक मायके के भेजने के बाद पति शैलेंद्र चौहान द्वारा गुपचुप तरीके से दूसरी शादी का मामला सामने आया है। पीड़िता गंगा चौहान ने मामले की शिकायत कोतरा रोड थाने में की है। धमतरी जिले के नेशनल हाईवे में पुलिस चौकी बिरेझर के पास 500 मीटर दूर अस्थायी बस स्टैंड के पास रायपुर की ओर से आ रही ट्रक व नारी क्षेत्र से रेत भरकर आ रही ट्रैक्टर में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, इंजन कई टुकड़ों में बट गया, जबकि दोनों वाहनों में सवार चालक व कंडक्टर बाल बाल बच गए। इंटरनेट मीडिया में झूठी अफवाह फैलाकर उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय ने एसपी राजेश अग्रवाल से मामले की शिकायत की है। जंजगिरी जिले में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले सास व ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पति व ननद अभी फरार हैं। पुलिस ने साइबर सेल से मिली तकनीकी सहायता के आधार पर दोनों को दर्री थाना क्षेत्र कोरबा से गिरफ्तार किया है। मामला सत्ती थाना क्षेत्र का है। जंजगिरी थाना क्षेत्र में एसटीएफ जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसने कुछ लोगों को गाली गलौज करने से रोका था, जिसके चलते वह नाराज हो गए और जवान की लात घूसों से पिटाई कर कैश और एटीएम कार्ड लेकर भाग निकले। मुंगेली जिले की सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने बाईपास रोड स्थित किरण फ्यूल्स के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल को पकड़कर बाइक से गांजा परिवहन कर रहे आयुष देवांगन व संजय देवांगन नामक दो युवकों को पकड़कर उनके पास से 29 किलो गांजा, बाइक, दो मोबाइल, जुमला 16,04,650 रुपए का मशरूका जब्त किया है। बेमेतरा में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कृषि मंत्री ने दो टूक कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने राशन कार्ड बनाने के नाम पर वसूली का मुद्दा उठाया। ऐसे में कृषि मंत्री ने तत्काल कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तंभ चौक पर बुधवार को तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार 7 वर्षीय गगन साहू की मौत हो गई, वहीं उसके पिता टोमन साहू बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें रायपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाँच दिन पहले जेल में बंदी छोटेलाल यादव की मौत का मामला अभी थमा नहीं था कि इधर एक और बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 14 मई को उसे रेलवे पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 16 को उसे गंभीर हालत में सिम्स लाया गया था, जहां बुधवार की शाम उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ध्रुवीकरण से सत्ता में तो आ सकती है, लेकिन देश का नुकसान होगा। साय ने कहा कि देश का विभाजन कर तुष्टिकरण की नीति से सत्ता भोगने वाली कांग्रेस ज्ञान न बांटे। कुर्सीपार वार्ड 48 में विनोद कुमार मौर्या के घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से अचानक आग लग गई, जिसमें विनोद कुमार की पत्नी एवं पुत्री के हाथ और पैरों में हल्की चोट आई। विनोद कुमार ने तत्काल 112 को कॉल किया तो तुरंत कुर्सीपार थाने के आरक्षक अमन शर्मा मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से वहां के आसपास घरों के लोगों को तथा घर के लोगों व सामानों को अधिक नुकसान होने से बचाया।